हाय दोस्तों, नमस्ते किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन 65। चिकन 65 बनाने के लिए सबसे पहले हम 250 ग्राम चिकन लेंगे। अब हम इसमें आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, चौथाई टीस्पून कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे, चौथाई टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, चौथाई टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर चौथाई कप दही डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम चिकन के पीस तेल में डाल लेते हैं। हमें चिकन को मध्यम आंच पर तल लेना है ताकि अंदर से चिकन पक जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमने फूड कलर की जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से हमारे पकौड़े में कितना अच्छी तरह से लाल रंग आ चुका है। इसी तरह से हमारे चिकन के पकौड़े तलकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम मध्यम आंच पर गैस रखकर उस पर पैन रखेंगे और 1 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन डालेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम यहाँ पर करी पत्ता डाल लेते हैं, कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं। अब हम इन सब को अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हम यहाँ पर चिकन के पकोड़े डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा चिकन 65 तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ऐसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।